Assalamu alaikum. Adab, good morning to everybody. In keeping with our tradition of tri-monthly press conference, Jamaat-e-Islami, Karnataka State, and its Bangalore Metro branch have organized this press meet today. We would like to draw the attention of our people, of our governments, and especially media through your esteemed contribution about some serious issues that we are facing as a nation and as a state today. We have recently celebrated 75th year of independence, Amrit Mahotsav. Magar is mauke par jahan ek taraf hamare jo achievements hain aur mulk ki jo tarakki hai us par hum baja taur par fakhr mehsoos kar sakte hain, magar kuch aise pehlu bhi hain और कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स भी हैं जिस पर हम सबको तवज्जो देने की ज़रूरत है। ऐसे चंद बातें आप हजरात के सामने इस वक्त के हालात के पेश नज़र हाईलाइट करना हमारे इस प्रेस मीट का मकसद है। पहली बात, द फर्स्ट थिंग इज़ द प्रिवेलिंग लॉलेसनेस एंड अराजकते नम राज्य बेद बरती ವ್ಯಾಪಕವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಹರಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಸ್ಕೋ ಖಾತರ್ಖಾ ತವಜ್ಜಾ ದೇನೆ ಔರ್ ಬೆಹತರ್ ಬನಾನೆ ಕಿ ಜರೂರತ್ ಹೈ. ಏಕ್ ಸಿಲ್ಸಿಲಾ ಚಲಾ ಹೈ ಮರ್ಡರ್ಸ್ ಕಾ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮರ್ಡರ್ಸ್ ಕಾ, ಬೆಲ್ಗಾಮ್, नरगुंद और शिमोगा और बेंगलोर के कितने ही ऐसे वाक़ियात हैं जो हमारे लिए बहुत तशवीश का बाइस हैं। इसी तरह इंसाफ जिस तरह एक तरफा होता जा रहा है, मुतासिर हो रहा है, और मनी और पावर के नतीजे में उसको कैसे ख़रीदा और हासिल किया जा सकता है, मिस्टर ईश्वरप्पा के केस की मिसाल हमारे सामने है कि किस तरह उनको क्लीन चिट दी गई। और ये एक तल्ख हकीकत है हमारे मुल्क की, हार्ड फैक्ट दैट 80% ऑफ द प्रिजनर्स इन आवर कोर्ट्स इन आवर जेल्स आर इन प्रिजन बेसिकली बिकॉज दे आर स्टिल वेटिंग फॉर इन्वेस्टिगेशन और मुख्तलिफ वजूह से और because of their poverty they are not in a position to even get a bail. Aur jo backlog hai cases ka hamare courts mein, iski shikayat to yahan ke chief justice wagaira bhi bar bar karte aaye hain. In halaat mein hamare chief minister ka action reaction kehkar halaat ko justify karna aur जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उनके एक्टिविटीज़ को इग्नोर करना या दूसरे मानों में उसको प्रोत्साहन देना, उसको फैसिलिटेट करना, ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। और जो कमेंट वहाँ मंगलूर के करीब के हादसे के मौके पर किया गया कि योगी मॉडल को यहाँ दोहराया जाए, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत बात है। आर्ट न्यूज़ के ज़ुबैर हों या मशहूर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट तीसा सकलवाद का मामला हो, यह सब कानून की और जस्टिस की जो इस वक्त सूरत हाल है हमारे मुल्क में उसको बताती है। दूसरी बात जिसकी तरफ हम तवज्जा मबजूल कराना चाहते हैं वो यहाँ का इंक्रीजिंग पोलराइजेशन और कम्युनलाइजेशन है। अपने सियासी मफादात के वसूल के लिए, इलेक्टोरल गेंस के लिए सोसाइटी को जिस तरह नफ़रतों का, दुश्मनियों का, कशीदगी का और फ़िरका वाराना तनाव का शिकार किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, और इसको आए दिन नए नए हरबे और वजूहात तलाश करके बढ़ाया जा रहा है, ये
हमारे इस रियासत के देरीना फ़िरका वाराना हम आहंगी के बख़ाए बाहम के अमन के जो रिवायात हैं उसको बुरी तरह से धक्का लगा है और ख़दशा है कि इलेक्शन करीब आते हुए इस माहौल को और ज़्यादा इसके अंदर कशीदगी पैदा की जाएगी। हम सब जानते हैं कि अज़ान हो या हिजाब हो या हलाल मीट हो, ये कोई नई बात नहीं है, मगर इनको बुनियाद बनाकर जिस तरह का माहौल बनाया गया और ये वाक़यात बहुत पुराने भी नहीं हैं, अब इस वक्त मज़ीद एक के बाद एक बात जिस तरह छेड़ी जा रही है, मदारिस के ऑटोनॉमी को मुतासर करने की जो कोशिश हो रही है और ईदगाह मैदानों का, चाहे चामराजपेट हो या हुब्बल्ली हो, वहाँ इस वक्त गणेश फेस्टिवल की इजाज़त देकर, गणेश फेस्टिवल की और बरादरान वतन की खुशियों के हम उनके साथ हैं, उसके मुखालिफ हरगिज़ नहीं हैं, मगर जो एक ज़माने से जो बात तय थी और स्टेटस को था उसको मेंटेन करने के बजाय इस वक्त जो इकदाम किए जा रहे हैं, ये बात हमको मालूम है कि इस वक्त ये ज़ेर समात है सुप्रीम कोर्ट के भी, मगर इसे अंदाज़ा होता है कि इन इश्यूज़ को उठाकर कैसे सोसाइटी में दरार पैदा करने और दूरियां पैदा करने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। तीसरी बात ख़वातीन के सिलसिले की है, इस सिलसिले में हमारी ज़िला ज़िम्मेदार तस्नीम फरजाना साहिब आपके सामने कुछ बातें रखेंगी, but suffice it to say that even after 75 years of independence women and weaker sections continue to be living under duress and disadvantage and discrimination and underrepresentation. ye mustaqil unke masail hain aur kitne hi indices hain ishariye hain chahe wo health ki baat ho nutrition ki baat ho marz ki baat ho हाइजीन की बात हो जस्टिस की बात हो एजुकेशन की बात हो इन सब आशारिया आप देखेंगे तो ख़वातीन इसमें बुरी तरह पिछड़ी हुई हैं और कमज़ोर तबक़ात और पिछड़े तबक़ात बराबर डिस्क्रिमिनेशन का आज भी शिकार हैं। करीब बिल्किस बानों का जो वाक़या हुआ उस पर पूरा मुल्क एहतजाज बना हुआ है, उसकी तायद हम करते हैं कि इन कल्प्रिट्स को दोबारा अरेस्ट किया जाए और बिल्किस बानो और उनके ख़ानदान के हौसलों को हिम्मत को सहारा दिया जाए। और करीब में एक मासूम बच्चे का जो कत्ल पीने के पानी के इस्तेमाल की वजह से जो हुआ है वो हमारे इस मुल्क में ये जो कैस्टिज़म है टचबिलिटी है किस हद तक ये जड़ पकड़ा है इसकी तरफ इशारा कर रहा है। आखिरी बात तो इस मौके पर ये अर्ज़ करनी है कि इस वक्त 23 में असेंबली और 24 में पार्लियामेंट के जो इलेक्शंस आ रहे हैं, वैसे भी इलेक्शंस जमहूरियत में एक संगमेल हुआ करते हैं, मगर ऐसा महसूस होता है कि 23 और 24 के इलेक्शंस गैर मामूली अहमियत के हामिल हैं और दे कैन बी यानी उससे एक वाटरशेड मोमेंट हो सकता है हमारे मुल्क में, ये मुल्क किधर जाएगा, किस रुख पर तब्दील होगा और क्या इसका आगे शक्ल और सूरत होगी, ये सब शायद इस इलेक्शन पर मुनहसर है। देख रहे हैं कि अपने इख्तदार के नशे में और अपने इलेक्टोरल गेंस को बढ़ाने के सिलसिले में यहाँ की फ़िरका परस्त और फैसिस्ट क़ुव्वतें हमारे इस मुल्क की जो देरीना रिवायात हैं, चाहे वो प्लूरलिज़म हो चाहे वो फेडरलिज़म हो, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की बात हो, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट की बात हो, इन सब को मुतासिर करने और यहाँ के जमहूरी इदारों को ख़त्म करने और जमहूरियत के रास्ते से इस्तबदाद को, डिक्टेटरशिप को, एक कल्चर को, एक टैक्स, एक ज़ुबान, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस तरह की बहुत से ख़दशात हैं जो इस वक्त लगे हुए हैं और ये इलेक्शन महज किसी पार्टी के जीतने हारने या किसी फ़र्द के इलेक्शन जीतने हारने का मसला नहीं है। ओरिजिनल जो आइडिया ऑफ इंडिया है, इंडिया की जो तसव्वुर और उसकी जो नेचर है, उस पर सवालिया निशान इस वक्त खड़ा हुआ है और हमारे एक तरफ तो देरीना रिवायात हैं स्पिरिचुअल और मॉरल वैल्यूज़ के, उसके मुकाबले में इस वक्त
जो खुदगर्जियाँ, सेल्फिशनेस, करप्शन, सेक्टेरियनिज्म और बहस की बात और अपने मफादात के लिए हर चीज़ को कुर्बान करने की जो सिचुएशन बनी हुई है, और जो तस्वीर और जो ख्वाब हमारे फोर फादर्स ने, आर्किटेक्ट्स ऑफ फ्री इंडिया और मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने जो ख्वाब देखा था, जो आइडिया ऑफ इंडिया यहाँ प्रमोट करने की जद्दोजहद की थी, उसमें एक बहुत फंडामेंटल चेंज इस वक्त लाने की जद्दोजहद चल रही है। चुनाचे ये एक नहायत अहम मौका है। इस मौके पर हम अवाम को बाखबर करने और जो लोग इस सिलसिले में फ़िक्रमंद हैं उनके साथ मिलकर, चाहे ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हों, दीगर इदारे हों, NGOs हों, इन सब के साथ मिलकर अवाम में सही इश्यूज़ क्या हैं, सही मसाइल क्या हैं, गुरबत है, इफ़लास है, मुल्क का बुनियादी ढांचा और तस्वुर है और अवामी मसाइल हैं, इसको पसे पुश्त डाल कर नेशनलिज़म या फिर कुछ इमोशनल इश्यूज़ या कुछ वादे और जुमले, इसमें हकाइक को छुपाने की जो इस वक्त कभी कोशिश हो रही है, इस पस मंज़र में लोगों को हकाइक से आगाह करने का हम एक मुहिमाती अंदाज में काम करना चाहते हैं। अब से लेकर इलेक्शन तक के लिए भी पूरे रियासत में हमारी कोशिश होगी जमात इस्लामी की जानिब से कि इस तरह के हम ख्याल इदारे, अफराद, तंजीमों को साथ लेकर लोगों के अंदर बेदारी लाई जाए और इन हकाइक से आगाह किया जाए। चुनाचे ये वो पहलू हैं, फौरी भी और देर पा भी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं हमारे मुल्क के जो इस वक्त दाव पर लगे हुए हैं। इस प्रेस मीट के ज़रिए से हम इसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं और अपील करते हैं कि इन हकीकी मसाइल को हम समझें और उसके लिए सारे अवाम मिलकर जद्दोजहद करें और एक सही और देरपा तब्दीली के लिए हम सब मिलकर कोशिश करें। वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 25 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದರೂ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಹಲವಾರು ಗಂಭೀರ ಕಳವಳಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಬಹುದಾದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕಾನೂನಿನ ಅರಾಜಕತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ನಿವಾಕರಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ, ನರಗುಂದ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನವರೆಗೂ ನಡೆದ ಕೊಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಕೊಲೆಗಳ ಸರಮಾಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೆಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು, ವಿಶೇಷತಃ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 80% ಕೈದಿಗಳು ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳಾಗಿ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಂತೆ ಹಣ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನ್ಯಾಯಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ತುಂಬ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗಿ ಮಾದರಿಯ ಸುಳಿವು ನೀಡಿರುವುದು ಶೋಚನೀಯ. ಆಲ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ನ ಜುಬೇರ್ ಮತ್ತು ಟೀಸ್ತಾ ಸ್ಕಿಲ್ವಾಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಧ್ರುವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೋಮುವಾದ, ರಾಜಕೀಯ ಗುರಿಗಳ ಅಂಧಾನುಸರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಬಲಿಪಶು ಮಾಡುವ ತನ್ನ ನೀತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದೆ. ದ್ವೇಷ ಹರಡುವಿಕೆ, ವಿಭಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಜಾಬ್, ಅಜಾನ್, ಹಲಾಲ್ ಮಾಂಸ, ಆರ್ಥಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮದರಸಗಳ
ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಈದ್ಗಾ ಮತ್ತು ಮಸೀದಿಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಲು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕದಡಿದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿದೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ದಲಿತರ ಮೌನ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಮಹಿಳೆಯರು, ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿಷಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳು ತಾತರನ್ನ ಅನ್ಯಾಯ, ಕೆಡಗಿಣಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಕಳಪೆಯಾಗಿವೆ. ಬಿಲ್ಕೀಸ್ ಬಾನು ಅವರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳ ಚಾರಿಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನೈತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕುಲುಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪೀಡಿತ ಅಮಾಯಕರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಸೇರುತ್ತೇವೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ದಲಿತ ಬಾಲಕನ ಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಜಾತೀಯತೆಯ ಬೇರುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ಆದ್ಯತೆಗಳು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲುಗಲ್ಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. 2023 ಮತ್ತು 24 ದೇಶದ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರದ ಅಂಧಾವೇಶನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಬಹುತ್ವ ಒಕ್ಕೂಟ, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತವೆ. ಅವರ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ತಪ್ಪು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೊಳ್ಳು ಘೋಷಣೆಗಳು, ಭರವಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನೈಜ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬದಿಗೆ ತಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ನೈತಿಕ ಅರ್ಥಪತನ, ಸ್ವಾರ್ಥ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ದ್ವೇಷ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಭಜನೆ ಮತ್ತು ಅಪಶತ್ರುವಿನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ನೈಜ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಭಾರತದ ನೈಜ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಾವು ಎಲ್ಲ ದೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಎದ್ದೇಳುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ನೈಜ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮತದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಸ್ಕ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು, ಗುಂಪುಗಳು, NGOಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನ ಸಾರಾಂಶ. कौन सी कम्युनिटी इत्मीनान की जिंदगी बसर कर रही है पूरे कर्नाटक में? दलित, किसान तंजीम, OBC, माइनॉरिटीज और अब जाकर के लिंगायत, एक तरह की बेचैनी पूरे कर्नाटक में है। हुकूमत की जो असल जिम्मेदारी है वो किस पार्टी की है वो नहीं है, असल हुकूमत होती है। आप जरा सोचिए कि हुकूमत की जिम्मेदारियों में से एक इंसाफ दिलाना, हकूक को अदा करना, अमन व अमान के लिए काम करना और समाज के जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उसे पूरा करना, ये असल काम था। हमारी रियासत में लिस्ट ये मिलती है आपको, फसादात कहाँ हुए, हालात कहाँ बिगड़े हुए हैं, छोटे छोटे मसाइल, जिस तरह के मसाइल तस्करा हुआ है वो तस्करे की पूरी लिस्टिंग आपको मिलेगी। हुकूमत की कारकर्दगी की कोई लिस्ट आपको नहीं मिलेगी। कोई डिपार्टमेंट ये बता दे, कोई वजीर ये बता दे या वजीर आला ये बता दे कि उन्होंने अपनी इस पूरे अरसे के अंदर कौन से वो अवामी बेदारी, अवाम की भलाई के लिए उन्होंने काम किया है, ये पब्लिक के सामने आना चाहिए। हम अवाम हैं, अवाम पूछते हैं, हमने वोट दिया है ना, हम पूछते हैं उनसे कि आप ये बताइए क्या काम किया है।
तो ये जो सूरत हाल पूरी बनी हुई है, सारा बात है कि इस पसमंजर में कोई भी कम्युनिटी, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, किसी भी कम्युनिटी के दरमियान में आप जाइए, वो बेचैनी का इजहार कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है पूरे कर्नाटक में, चूँकि हम पूरा मन काम करते हैं, दस्तूर के दायरे में रह करके काम करते हैं, समाज के दरमियान तब्दीली की बात हम करते हैं, यहाँ पर पूरे कर्नाटक के अंदर कई ऐसे कम्युनिटीज़ की तंजीमें, समाजी तंजीमें ऐसे हैं पूरे रियासत के अंदर जिनको हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके दरमियान में ये बातें हम ला रहे हैं कि आइंदा जो भी मुंतखब हो, हमारा नुमाइंदा जो बने, वो पूरा मन काम करने वाला, अवाम की भलाई के लिए काम करने वाला हो, इसकी कोशिश हमारे जानिब से जारी है। ये नकली मुस्कराहट से मसले का हल नहीं है। येडियुरप्पा हो के बोम्मई अखबार के अंदर नकली मुस्कराहट से वो अवाम के दिल जीत नहीं सकते हैं, असली मुस्कराहट लोग चाहते हैं। अब असली मुस्कराहट कहाँ है, आप खुद इसे बता सकते हैं। मीडिया से हमें जो ज़्यादा मालूम होता है वो आप ही की तरफ से मालूम होता है, आपके न्यूज़ जो बनते हैं, अखबार जो छपते हैं, उसे छपने के बाद हमें मालूम होता है कि अवाम किस तरह के हैं। तो हमारी गुजारिश ये है कि नकली मुस्कराहट से अवाम राजी नहीं होते, खुश नहीं होते। हम ये चाहते हैं कि अवाम को खुश करने के लिए जो वादे आपने किया है और जो मैनिफेस्टो आपका था, अमन आमान के क्याम, हक को दिलाना, इंसाफ की बात करना और पूरे समाज को साथ लेकर चलने की बात जो आपने कही थी, उसके मुताबिक काम होना चाहिए। लेकिन हमारा मानना यह है कि उस तरह के कोई काम यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। उसके लिए बेदारी के लिए हम काम करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे, जिसमें किसान तंजीमें हैं, दलित तंजीमें हैं, क्रिश्चन तंजीमें बहुत सारे हैं, समाजी तंजीम बहुत सारे इस तरह के, और ख़ुद ये कि मुख्तलिफ पार्टियों में काम करने वाले भी नहीं चाहते हैं। अब कहाँ सब कुछ ठीक है, हुकूमत के अंदर बेचैनी ज़्यादा है ना, वो तो बताते हैं खुद भी, इस तरह की बड़ी बेचैनी उनके अंदर भी है, वो लोग भी चाहते हैं कि बाहर निकल जाए इस तरह से। तो हमारी कोशिश ये है कि आइंदा आने वाला जो इलेक्शन होगा वो पूरा मन तरीके से हो, और ऐसे लोग इकदार में आना चाहिए जो अवाम की भलाई चाहते हैं।